शीशे पे जो पानी डालते हैं ना, पानी खत्म हो गया था। हालांकि गाड़ी को तो मैं चेकअप करा के लाया था, लेकिन जाके पूछूंगा उनसे भाई पता नहीं क्या किया था उन्होंने। पानी नहीं था यहाँ, पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोड ख़राब हो रहा है, सड़क ख़राब है और उसमें शीशा बार बार गंदा होता है, तो कम से कम उसमें पानी होना ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल तो हमारे पास कोई दूसरा पानी है नहीं, यहाँ आसपास भी नहीं है, तो मिनरल वाटर जो था मेरे पास मैंने वही डाल दिया एक बोतल। बॉटल ही फेंकना है। बाकी आसपास के नज़ारे बड़े शानदार हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये नदी हमारे को फॉलो करते हुए आ रही है, फॉलो करते हुए नहीं आ रही एक्चुअली, ऊपर से आ रही है ये, और इसके साथ साथ ही हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल हम लोग अभी मंडी जिले में ही चल रहे हैं, अब तक हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंटर नहीं किया है। और करीब करीब पूरा रास्ता जो है ना वही डाइवर्जन है, पूरा ही रास्ता डाइवर्जन है। ये सीधा रास्ता बंगार की तरफ चल जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ओके, देखेंगे समय मिलेगा तो इसको भी समझेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ है एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन ऑल। और हम अभी ये टनल के अंदर आ गए हैं, और टनल के अंदर तो धूल भरा हुआ है, और टनल के अंदर चल रहे हैं, लाइट जला देते हैं। ये टनल के अंदर चल रहे हैं, मैंने तो लाइट ऑन कर लिया है, देखो लाइट एक टेढ़ा सा लग रहा है, मुझे इल्म नहीं था कि ऐसा कोई टनल भी है इस रास्ते में, ये तो शानदार है। कोई भी तो जगह अभी पहुंचे हम लोग, कोई तो मतलब ये गांव जैसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक भी है और होमस्टेज भी मैं देख रहा हूँ और कई सारे होटल्स भी हैं, वो अभी यहीं के आसपास हम लोग कुछ खाने के लिए रुक भी जाएंगे। आउट आउट नाम है इस गांव का, मंडी जिले में ही, जहाँ पर भी थोड़ा सा भी रास्ता लग रहा है ना कि ठीक है, उछल कूद कम है, मुझे लग रहा है कि मैं जितनी स्पीड में मैं एक बार गाड़ी खींच के थोड़ा आगे लेके जाऊँ, क्योंकि अभी भी मुझे मनाली जो है ना वो 2.5 घंटा रास्ता दिख रहा है, जबकि अभी मुझे रुकना है, कुछ खाना है, सब कुछ है, उसके बाद भी 2.5 घंटे का रास्ता भी और दिख रहा है, मतलब कि 3-3.5 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 2:00 के, बज रहे हैं 1, मतलब 3 बजे तो हम मनाली पहुंचेंगे। शिशु कब पहुंचेंगे और कब शिशु का ट्राई करेंगे, स्नोफॉल प्रोटेक्शन और है और शाम को वहाँ ब्लैक आइस और हो जा रही है, तो उम्मीद बहुत कम दिख रहा है कि मैं शिशु जा पाऊंगा। बाकी फिर भी देखते हैं, कल हुआ तो कल एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर वापसी कुछ और देखेंगे। और मतलब अच्छे रास्ते की बात करते करते ना रास्ता ये टूटा फूटा, ये ऑफ रोडिंग वाला हिसाब किताब आ जाता है, चल ही नहीं पाता है थोड़ा भी लंबा। अच्छा रोड वापस से थोड़ा सा अच्छा रोड आया, और ये लगता है रोड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कंप्लीट है कंस्ट्रक्शन, और मेरे बोलते के साथ ही ऑफ रोडिंग शुरू। ये वापस से रोड खराब, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार कैमरा ऑन करके थोड़ा ढंग का रोड रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि होता क्या ना कि रोड रिकॉर्ड होता है और आसपास का माहौल जो है थोड़ा सा सुंदर दिखता है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, ऐसे ही चल रहे हैं रोड। फिर आप बोलोगे कि वीडियो बहुत वाइब्रेट कर रहा है, अरे भाई तो मैं करूँ क्या, ऐसे रोड में मतलब बनाते हैं ना उसको, मैंने विंडो स्क्रीन पर माउंट किया हुआ है तो इस पर वाइब्रेशन दिखता ही है। मुझे भी अफसोस होता है फिर देखने के बाद, एडिटिंग के टाइम में लगता है कि यार मैंने क्या बना के लेके आया हूँ मैं। और ये सामने स्नो पीक्स दिख रही हैं, यहाँ पे रुक के यार खाना खा ले क्या है, बहुत सारे यहाँ पे ढाबे हैं, पीछे नदी भी है, और रुक के खाना खा लेते हैं, रुक के पहले खाना खाते हैं उसके बाद सोचते हैं आगे। ये अभी हम एक जगह पे मंडी क्रॉस करने के बाद अभी लंच के लिए रुके हैं, और मैं अपने ऑफिस का थोड़ा सा कुछ काम है वो भी निपटा लेता हूँ, वो लेने के लिए। बाकी एक बार ना आपको मैं लंच भी दिखाता हूँ यहाँ का, जो
तो बनासा जगह है ये, ये टनल के बाद है ना? हाँ जी, 2 किलोमीटर आगे आता है। टनल के 2 किलोमीटर आगे या कितने किलोमीटर आगे कुल्लू है? कुल्लू 22 किलोमीटर यहाँ। कुल्लू 22 किलोमीटर, मनाली? मनाली होगा 35। 35 किलोमीटर मनाली कुल्लू से। अच्छा, तो यहाँ पे आपको वो भैया मिलेंगे, भैया का चेहरा पहचान लो। अभी आप इस तरफ से निकलो, ये राणा जी पंजाबी ढाबा, यहाँ रुके आप खाना खाओ। बाकी मैं भी खाना टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो खाना टेस्ट करके फिर आपको बताता हूँ खाना कैसा है। और इधर ना ये ढाबे के साइड से ये रिवर साइड है, खाना यहाँ खिलाते हैं भैया, अंदर भी खा सकते हैं आप। लेकिन ये है खूबसूरत सी जगह सड़क के किनारे, आप यहाँ बैठ के खाना खाइए तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। आपको दिखाता हूँ मैं अभी ये सारा लोकेशन, ये देखो बिल्कुल ये पानी जो है ना बिल्कुल यहाँ से निकल रहा है, ये हमारे बिल्कुल साइड से बह रहा है, ऊपर से ये पानी बहता हुआ आ रहा है। ब्यास नदी, ब्यास नदी भैया, ये ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी बहती हुई आ रही है ऊपर से और इधर से जा रही है, और यहाँ कहीं बैठ के हम अभी खाना खाएंगे। खाना ना बहुत ही मज़ेदार था, और कई बार ना खाना आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इन सब के ऊपर ये ज़रूरी होता है कि आप कहाँ खा रहे हैं। जो साथ में नदी बह रही थी और वहाँ बैठ के खाना खाना, वही पालक पनीर, वही दाल, लेकिन मज़ेदार। ये रिवर बेल्ट के पास ना बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे लाइन से, और शायद जो रिवर बेल्ट है इसलिए उस तरफ वहाँ पर ढाबे से बने हुए हैं। यहाँ एक चीज़ एक खास दिखी मेरे को, हालांकि ये मैंने और भी जगह पे देखा हुआ है, यहाँ सारे ढाबे के जो भी मालिक है या जो भी उनके जिनका ढाबा है वो लोगों ने अपनी फोटो लगा रखी है बाहर, बड़ी बड़ी फोटो बना बना के फ्रेम करवा करवा के उन्होंने बाहर लगा रखी है। चाचा ढाबा या प्योर ढाबा है, जिसके भी नाम का ढाबा है, उनके ढाबा, उन्होंने अपनी अपनी फोटो एक बड़ी बड़ी सी लगा रखी है। अंदर वही बंदा फिर बैठा हुआ दिख जाएगा, आपको पता जिसका क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है या क्या है, नहीं मालूम। फिलहाल सड़क ठीक है, और सड़क जैसे ही ठीक हो रही है तो नज़ारे फिर दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है, अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी भी यहाँ से कोई सवा दो घंटे का रास्ता है मनाली, और 2 बज चुका है। अब देखिए कब तक हम लोग मनाली पहुँचते हैं और फिर क्या करते हैं। अब तक लगता था जैसे पहाड़ों में टोल नहीं होगा, लेकिन जैसे ये रोड बन जाएगा ना तो पहाड़ों में भी टोल शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ भी पहाड़ में गया हूँ उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल की तरफ, कहीं भी टोल नहीं दिखता है। सबसे मज़ा है मेरे को इसी बात से आता है, टोल नहीं पे करना है पहाड़ों में, लेकिन अब पे करना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि टोल का बन रहा है काउंटर। काफ़ी देर के बाद बड़ा ही अच्छा रास्ता मिला है, हालांकि कुल्लू पहुंचने वाले हैं, कुल्लू पहुंचे नहीं है अभी तक। कुल्लू क्रॉस कर रहे हैं अभी इस वक्त, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुल्लू शहर है, मतलब मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड में है, और शायद ये नया बाईपास कोई बना हुआ है जिससे अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहाँ से मनाली की दूरी कोई 40 किलोमीटर है, और गूगल पे ये 1 घंटे का ड्राइव अभी और दिख रहा है। हालांकि फिलहाल रोड्स काफ़ी बेहतर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं स्पीड मेंटेन कर पाऊँगा और थोड़ा सा हम लोग टाइमली पहुँच पाएंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:45, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3:30
पौने चार तक मनाली पहुंच जाएं। अब जाके जो है ना मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। हालांकि गाड़ी का एसी अभी भी चल रहा है, शीशा चढ़े तो खुले तो ठंडी हवा आएगी, नहीं क्या ब्लॉगिंग में दिक्कत होती है, इसलिए मैं गाड़ी का शीशा नहीं खोलता हूँ, बंद रखता हूँ। लेकिन मजा इसलिए आ रहा है कि नज़ारे बदल रहे हैं, नज़ारे अब सुंदर हो रहे हैं। हालांकि क्राउड दिख रहा है, भीड़ भाड़ दिख रहा है, बाजार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दुकानें कई सारी दिख रही हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। हालांकि बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, बाजार तो दिख ही रहा है, दुकानें कई सारी दिख रही है, साइड में रिवर राफ्टिंग के बने हुए हैं, पार्किंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होता है, मेरे राइट हैंड साइड में बच्चों का पार्क भी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, लेकिन बर्फ के पहाड़ इतने दूर दिख रहे हैं कि मेरा एक बार को लग रहा है कि पता नहीं वहाँ मैं पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, कब पहुँचेंगे, लेकिन चलो पहुँचेंगे तो ज़रूर, पहुँचना तो है। ओवरऑल अच्छा लग रहा है, वाकई में अब अच्छा लग रहा है।